आज के दिन स्टॉक मार्केट के दो बड़े प्लेयर बोला जाए तो दो बड़े प्रतिद्वंदी की इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। सबसे पहले न्यूज आ रही है रिलायंस की तरफ से कि बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर का अप्रूवल की जो बात चल रही थी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। काफी लोग एक्साइटेड हो रहे हैं रिलायंस के शेयर के लिए। क्या इसका प्राइस एक्शन में पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेशन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकेंड न्यूज आ रही है अडानी की तरफ से, जहां पे अडानी ने ये बोला है कि आने वाले 3 से 4 सालों में वो डिफरेंट वे से, चाहे वो रिटेलर्स हो चाहे एचएनआई हो, 30,000 से लेकर 40,000 करोड़ के आसपास का फंड्स रेज करने की बात कर रहे हैं। और यहां पे एनसीडीज को मेनली यूज किया जाएगा, एनसीडीज के थ्रू ये रेज करने की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, चलते स्क्रीन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मोटा भाई रिलायंस की बात कर लेते हैं। देखिए रिलायंस के रिलेटेड ना बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आ सकती थी वो आ चुकी है मार्केट में। एज सच जो अभी बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें बहुत कुछ पॉजिटिव सरप्राइज नहीं आया, पर हमारे सामने बोनस इशू आया था जिसके लिए ऑलरेडी ये रिएक्ट कर चुका है। तो इन नॉर्मल सिचुएशन 3070 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है मेरा सिंपल सा माइंडसेट ये होगा कि इसकी पॉजिटिव न्यूज अभी ऑलरेडी आ चुकी है, तो इमीडिएटली ये सोचते हुए कि भैया बोनस आने वाला है ले लो, फंसने वाला काम है। आज के दिन अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज देखोगे तो उसके नीचे की क्लोजिंग आई है। कल भी अगर ये 3000 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग देता है तो ये फर्दर वीकनेस का साइन होगा। आप बोलोगे अनंत आप कैसी बातें कर रहे हो, मार्केट में इसमें बोनस इशू मिलने वाला है, हमें तो इसमें लेना चाहिए, एक शेयर फ्री का मिल जाएगा। देखिए बोनस इशू सिर्फ एक न्यूज होती है जो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए होती है। अगर आप एज सच बात करोगे बोनस इशू का फाइनेंशियल टर्म्स में स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। आपके नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाते हैं पर प्राइस इमीडिएटली आधा हो जाता है कट ऑफ डेट के बाद। मतलब ये कि इमीडिएटली इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। प्लस सपोज करते हैं आप अब शेयर बाय कर लो, आपको लगे यार इसका शेयर आधा होने वाला है, मैं अंधाधुन शॉर्ट करता हूं, ऐसा भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप आपके प्राइस और क्वांटिटी में एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, इतना कोई सिंपल नहीं है कि भैया न्यूज आई है आधा होने वाला शेयर प्राइस, अनंत भाई ने कहा है तो चलो शॉर्ट मारो आधा हो जाएगा, ऐसा आधा नहीं होगा। आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और प्राइस आधा हो जाएगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, तो उस पर काम नहीं होगा। पर पॉजिटिव न्यूज सारी आ चुकी है, प्लस क्रूड का जो प्राइस फॉल हो रहा है उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट आएगा। तो इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये वापस से 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ बची है तो कल के दिन एक इनसाइड कैंडल बनेगी तो हम मानेंगे कि भाई अभी भी स्ट्रेंथ बची है। अगर किसी भी कारण से आज के दिन के लो यानी कि 2980 अंडरकट होते हैं तो वो एक वीकनेस का साइन होगा। ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वो तो 3080 के ऊपर ही बन पाएगा। सेकंड हम बात करते हैं अदानी की। देखिए इस न्यूज का अदानी के ऊपर इमीडिएटली एज सच कोई इंपैक्ट नहीं होगा, अभी ये अगेन यहां पे कंसोलिडेशन में चल रहा है। फंड्स रेज करेंगे, पैसा आएगा, स्टॉक बढ़ेगा, ये सारी कहने की बातें होती है। हमें फंडामेंटल न्यूज के साथ प्राइस एक्शन को भी देखना चाहिए। प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2900 के आसपास का है, अभी नो ट्रेड जोन में ये ट्रेड कर रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम करे यहाँ पे तब फिर भी यहाँ पे कोई बाय ट्रेड इनिशिएट होने की या सिग्नल मिलने की या हम स्टडी करने की बात होती है, पर अभी ये वेट एंड वॉच की स्टडी में है। एज सच यहाँ पे कोई भी इसका इंपैक्ट इमीडिएटली आता हुआ नहीं दिख रहा, तो रैंडमली न्यूज को देख के एक्साइटेड होना बंद होना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे तो पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है, एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी को स्टडी करेंगे तो निफ्टी ने वापस से एकदम छोटी सी रेंज का काम करा, हमारे लिए रेजिस्टेंस था भी सही 25,250 इसी रेंज के आसपास से सिंगल कैंडल में ऊपर जाके फेक ब्रेकआउट दिखा के वापस से घुस गया। अभी ओवरऑल मार्केट को आप चेकआउट करोगे ना तो मार्केट एक कंसोलिडेशन की फेस में चल रहा है, मतलब ऑल्दो ऊपर के लेवल पे है पर अभी मार्केट आपको दिखेगा 25,300 से लेके 25,000 की रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसे समय पे मार्केट आपका प्रीमियम मीटिंग का होता है, कल एक्सपायरी है तो वापस से प्रीमियम मीटिंग का दिन होता है जिसके ऊपर ध्यान होता है। बाय द वे अगर आपको बेसिक ऑप्शंस नहीं पता है तो ऑप्शंस की फ्री सीरीज इस चैनल पे पूरी डिटेल अवेलेबल है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आपकी रेफरेंस के लिए उस सीरीज का लिंक मैं आपके लिए ऊपर आई बटन पे भी लगा दूंगा। प्लस अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, देखो ऐसे समय पे ना आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आपको कंफर्ट देते हैं तो वो स्टार्ट करने के लिए लिंक कंप्लीट फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, हमारी टीम आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हेल्प करेगी। अब हम यहां पे बात करें तो क्या है, अभी मार्केट नो ट्रेड जोन में है, स्पेशली अगर आप बुलिश या बेरिश ट्रेड लेने का सोच रहे हो तो यहां पे नो ट्रेड जोन पे। अगर आप सोचो कि भाई मैं ऊपर खुले तो ले लूं नीचे खुले, कुछ नहीं है, रैंडम बातें हैं, अभी नो ट्रेड जोन पे है, प्रीमियम मीटिंग का मार्केट है जिसको हम ध्यान रहेंगे, इसके ऊपर या इसके नीचे ही हमारे लिए कोई ट्रेड बनेगी, इसके ऊपर बुलिश इसके नीचे बेरिश, बीच में अभी ये नो ट्रेड प्रीमियम मीटिंग का मार्केट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ओवर ट्रेड करोगे तो पछता के जाओगे, चाहे बाय साइड की हो चाहे सेल साइड की हो। कल के लिए यूजुअली मैं कहता हूं कि 10 EMA की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, कल के लिए रैंडमली 10 EMA भी यूज मत करिएगा, स्पेशली 2 मिनट 5 मिनट के टाइम रेजन है, 15 मिनट में हो रहा है तो ये डिफरेंट बात हो जाती है। बैंक निफ्टी हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था कल के मार्केट में, देखो जो ये सप्रेस हुआ था ना
एटलीस्ट इसे 51,600 तक जाना चाहिए था, पर ओपनिंग ही अगर ऊपर हो गई तो मार्केट नीचे चल जाएगा। एग्जैक्टली हमारा कल का डिस्कशन था, वही कुछ हुआ। यहां पे अगर आप ओवरऑल रेंज देखोगे तो रेंज बनी हुई है आपके लिए ऊपर की साइड की 51,560-570 के आसपास की, और नीचे की रेंज बनी हुई है 51,200 की। इस रेंज के ऊपर 250 की रेंज मान लेते हैं, इस रेंज में हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। रेंज के नीचे शॉर्ट का बनता है, रेंज के ऊपर लॉन्ग का बनता है। बहुत सिंपल सा मार्केट है, रेंज के ऊपर लॉन्ग बनता है तो वहां पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए हमेशा 50-60 पॉइंट का, बिकॉज फेक ब्रेकआउट्स यहां पे आपको मिला था, यहां पे आपको मिला, एक और फेक ब्रेकआउट मिल सकता है जहां पे 50-60-100-150 पॉइंट जाए और फिर घुस के नीचे आ जाए, तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ। बहुत सिंपल सा मार्केट हो रखा है। ऐसे मार्केट में ओवर ट्रेड करना डेंजरस होगा। आईपीओ मार्केट बहुत हॉट है तो उसके ऊपर ध्यान लगाइए। इन मार्केट में प्रीमियम मीटिंग करते हो अगर आप दोनों साइड के कॉल पुट बेच के या फिर हेज करके। देखिए दो ऑप्शन आते हैं, एक तो हमने यहां का कॉल बेच दिया, यहां का पुट बेच दिया और सेफ्टी के लिए ऊपर का कवर कर लिया कॉल, नीचे का पुट कवर कर लिया। ये स्ट्रैटेजी होगी एज अ सेफ इन्वेस्टर, और स्पेशली एक्सपायरी के दिन पे हम लोग निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कि यहां पे तो हमने शॉर्ट कर दिया और यहां पे हमने लॉन्ग कर दिया, कवर कर दिया, ताकि हमारी रिस्क भी हेज हो गई और एक दिन का काम हो गया, या फिर कॉल पुट दोनों शॉर्ट कर दिया पर स्टॉप लॉस मेरे स्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, तो ऐसे समय पे आपका काम हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी अभी प्रीमियम मीटिंग की बहुत अच्छी चल रही है। फर्स्ट हाफ में अभी भी उम्मीद है, सेकेंड हाफ में अगर मोमेंटम आ रहा है तो कल अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। चांसेस अभी भी 50-50 है, मैं कोई सर्टनिटी के साथ नहीं कह सकता बिकॉज मार्केट अभी रेंज बाउंड हो रखा है। रेंज बाउंड मार्केट में डायरेक्शनल ट्रेड करना सबसे रिस्की होता है, पर रेंज बाउंड मार्केट के खत्म होते ही अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, चाहे एक दो बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते इस रेंज में आपने काम किया और आपने लंबा काम किया कि चल मैं तो 1000 पॉइंट के लिए खेलूंगा और 1000 पॉइंट नहीं मिले, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्टॉप लॉस फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के होते हैं, एक दो बार दोगे तो सिंगल बार में वो स्टॉप लॉस से 2 गुना 3 गुना 4 गुना आपका कवर भी होगा, ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर डाउन साइड पर कोई भी बड़ा मूव आ रहा है, 1000-1500-2000 पॉइंट का भी आता है, तो उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। तो ट्रेड तो लेना बनता है रेंज के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग। पहले तो मैं सोचा था कि आज ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं बिकॉज एज इट इज मार्केट है, पर ये समझाना कि कभी कभी ट्रेड ना करना भी हमारे फेवर में रहता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। टेलीग्राम फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, काफी अपडेट्स वहां पे आती रहती है। और अभी तक इंस्टाग्राम पे कुछ फन रील्स कुछ वीडियोस के लिए फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, यहां पे तो सब्सक्राइब आई होप आपने कर ही रखा होगा।